अपराधियों के खिलाफ योगी की पुलिस लगातार एक्शन मूड में है। इसी क्रम में मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके की जयंतीपुर में लेडी डॉन हसीना की संपत्ति पर योगी का चाबुक चला है। लेडी डॉन हसीना ने अपराध के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। वहीं 3 महीने पूर्व लेडी डॉन हसीना को मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 10 साल की सजा हुई थी। अभी यह लेडी डॉन जेल में सजा काट रही है। घटना के बारे में एसएसपी हेमंत कुटियाल ने बताया, लेडी डॉन हसीना एक शातिर किस्म की अपराधी है, जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में जुआ सट्टा और मादक पदार्थों की तस्करी के 26-27 मुकदमे दर्ज हैं, जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट फाइल की गई थी। अब जिलाधिकारी के आदेश पर मुनादी कराकर लगभग 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। आज एक हसीना पत्नी आदम, इनकी 14-1 गैंगस्टर अधिनियम में कुर्की की इनके ऊपर कार्रवाई की गई। इस महिला के द्वारा ये पूर्व इतिहास काफ़ी लंबा है और ये NDPS और साथ ही साथ जुआ अधिनियम में कुल इनके 26-27 मुकदमे हैं और बहुत ही पूर्व गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। उसी में गैंगस्टर एक्ट में इनको ये चार्जशीट किया गया था, इनको जेल भेजा गया था और आज जिलाधिकारी के आदेश के बाद करीब इनकी 2 करोड़ की तकरीबन संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें घर और इनकी अन्य प्रॉपर्टी है। हाँ, ये अभी इस समय निरुद्ध है और ये लगातार इनकी अभी पैरवी चल रही है। जेल और ये गैंगस्टर, ये NDPS मतलब जो आपका ये अवैध वो है स्मैक वगैरह की जो बिक्री में थी, और उसके अलावा जुए का भी इनका काम था, तो उसी के 27 करीब प्रकरण पूर्व के थे, उन्हीं में गैंगस्टर हुआ था इनका और गैंगस्टर में ही निरुद्ध हुई है और उसके बाद ये 14-1 की कार्रवाई इन पर की गई है। जो संपत्ति इन्होंने अवैध रूप से अर्जित करी थी उनकी कुर्की हुई है जिलाधिकारी के आदेश के बाद।